नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और दो बड़े अपडेट जो हैं इस समय आ रहे हैं, एक जम्मू से और एक कश्मीर से अपडेट आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू संभाग के अरनिया सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर सीमा पार से एक ड्रोन जो है उसने कोशिश की है घुसने की। और आपको बता गई कि वहाँ पर तैनात BSF के जो जवान थे उन्होंने ड्रोन को जो है मार गिराने के लिए तकरीबन 25 से 20 जो राउंड फायर से वो किए हैं। और बताया जा रहा है कि इस जवाबी कार्रवाई के बाद जो है ड्रोन वापस जो है यानी कि जो सीमा पार करने वाला था वो ड्रोन वापस जो है चला गया है। आपको बता दें कि पूरी जानकारी इस तरीके से आ रही है कि सुबह के तकरीबन बताया जा रहा है कि 4:25 पर जो है एक ड्रोन जो है अरनिया सेक्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते ही वहाँ पर अलर्ट BSF के जवानों ने वहाँ पर उस पर राउंड फायर करना शुरू किया और तकरीबन 20 से 25 जो है राउंड फायर किए गए हैं। और इस गोलाबारी के बाद यानी कि जैसे ही जवाबी कार्रवाई शुरू की गई तो ड्रोन जो है वो वापस लौट गया है। जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो गुरुवार देर रात में आतंकियों और सुरक्षा बलों में भी एक मुठभेड़ शुरू हो चुकी, यानी कि दूसरा अपडेट जो कि श्रीनगर से आ रहा है। जी हाँ, एक तरफ जम्मू में ड्रोन्स मिलने का सिलसिला जो है वो नहीं थम रहा है, ड्रोन्स देखने का सिलसिला जो है नहीं थम रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कश्मीर में जो है लगातार इनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। और कल बीती रात से ही अगर बात की जाए तो पुलवामा में जो है एक इनकाउंटर शुरू हुआ है, पुलवामा के हाजिन राजपुरा इलाके। बता दें कि अभी तक बताया जा रहा था कि 3 से 4 आतंकी जो है गिरे गए हैं। और पूरा अगर बात करें तो खुफिया एजेंसियों को जिस तरीके से लगातार इनपुट मिले थे कि इलाके में जो है आतंकी छिपे हुए हैं, आतंकियों के छिपने पर जो है वहां पर सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरा घेरा और उस इलाके को घेरने के बाद जो है वहां पर जब और हमेशा से हमने देखा है कि जो हमारी एजेंसियाँ हैं या हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं और इन आतंकियों को भी सरेंडर करने के लिए कहा गया। और अब जो खबर आ रही है कि इसमें एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है और इसमें एक दुखद समाचार ये सामने आ रहा है कि एक जो जवान है वो शहीद हो गया है। जिस तरीके से अगर इस पर पूरी जानकारी की बात बताई जाए तो ये जो है पुलवामा का हाजिन राजपुरा इलाका है जहां पर ये पूरा पता चला कि इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं और उन आतंकियों पर जो है शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा जो है पूरा इलाका कॉर्डन किया गया। और उसके बाद वहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आतंकियों ने अपने आप को घिरा पाया और इस पर जो है उसके बाद उन्होंने वहां पर फायर करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं फायर करने के बाद जो है अब इस मुठभेड़ में जो है बताया जा रहा है कि अभी तक जो बताया जा रहा है कि एक आतंकी को यानी कि एक आतंकवादी जो है इसमें मार गिराया गया है और इसके साथ साथ ही जो है एक जवान भी शहीद हो गया है। और अभी दोनों तरफ से गोलाबारी जो है वो चल रही है, यानी कि अभी तक जो ये ऑपरेशन है वो चल रहा है। कल बीती रात से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था और सिर्फ एक इनपुट पर जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इससे पहले भी अगर बात करें तो लगातार जो है कश्मीर घाटी से जो है लगातार जो है ऐसे इनपुट्स मिलते रहे हैं और आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए जो है सुरक्षा बलों की तरफ से भी कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो ये दो अपडेट जो है इस समय एक जम्मू और कश्मीर से सामने आ रहा है। जम्मू में जिस तरीके से बात करें तो ड्रोन्स मिलने का सिलसिला जो है नहीं थम रहा है और आज अरनिया सेक्टर यानी कि अरनिया सेक्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे पार करने की कोशिश की गई सुबह 4:25 का के समय पर। और उसके बाद जो है वहां पर अलर्ट BSF ने जो है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वहां पर फायर किए हैं और बताया जा रहा है कि 20 से 25 फायर जो हैं इस ड्रोन पर किए गए हैं। और ये फायर होने के बाद यानी कि जवाबी कार्रवाई के बाद जो है ये ड्रोन वापस चला गया है। और वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से ड्रोन्स मिल रहे हैं तो सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट पर है। और अगर बात की जाए मिलिट्री कैंप्स की या एयरफोर्स स्टेशंस की, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि ये इस तरीके की जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं उन पर जो है रोक लगाई जा सके। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।